पांचवा लक्षण अनेकांतिक का आरंभ करता है। यह भी उदयनाचार्य जी ने अपने तात्पर्य परिशुद्धि में सूत्र संख्या 128 में चर्चा की है। न्याय सूत्र 128 पर साध्येन अव्याप्यत्व सति तद अभाव अव्याप्तो अनेकांतिक इत्यपि न, यह भी नहीं हो सकता। साध्य अविशिष्ट अपि गतत्वात्, साध्य अविशिष्ट हेतु में भी लक्षण अतिव्याप्ति हो रहा है। साध्य अविशिष्ट में जो साध्य उसी को हेतु बना दे किसी ने, साध्य को ही हेतु बना दे शब्द अनित्य अनित्यत्वात् घटवत् कर दिया। यो यो अनित्य स अनित्य यथा घट, ऐसे किसने वहाँ तुम्हारा लक्षण जा रहा है। साध्यन अव्याप्यत्व सती, साध्य से अव्याप्य होते हुए साध्य भाव से भी जो अव्याप्त है तद अभाव अव्याप्त, मैंने साध्य भाव से अव्याप्त हो उसका नाम अनेकांतिक है। यह लक्षण जो सीधे सीधे उसमें अतिव्याप्ति हो रहा है, क्योंकि इस लक्षण का अतिव्याप्ति कैसे हुआ साध्य विशिष्ट में, असिद्ध नामक हेत्वाभाष है। साध्य विशिष्ट हेतु को भी असिद्धि कहा जाता है, असिद्ध अनेक प्रकार है, मुख्यतः तीन बोलते हैं आप लोग, आश्रय से स्वरूप असिद्ध व्याप्यत्व सिद्ध, इसलिए विशेषण असिद्ध है, विशेषासिद्ध है, विशिष्ट असिद्ध है और साध्य विशिष्ट असिद्ध है, सब अनेकों प्रकार के गिने गए हैं, उनमें से हेत्वाभाषी भी हो जाता है। क्योंकि वह साध्य के समान ही साधनीय मात्र हो गया, फिर तो फिर वो हेतु भी क्या है, साधन योग्य रह गया, वो भी साध्य हो गया, हेतु ही नहीं रह गया। वो हेतुत्व का जो लक्षण का जो स्वरूप है वही उसमें असिद्ध है, साध्य अविशिष्ट नाम का सिद्धि हेतु चला जाता है। तो साध्य अविशिष्ट हेतु गतत्वात्, क्योंकि साध्य से अव्याप्य, कि जो स्वयं साध्य है वह साध्य से स्वयं साध्य व्याप्य थोड़ा होगा, साध्य अव्याप्य तो उसमें चला गया, और तद अभाव भी से भी वो व्याप्त नहीं होगा, साध्य भाव से भी उसको व्याप्त नहीं कहा सकता, अतएव यह लक्षण आपको उसमें जा रहा है। तो गतः गतत्वात् अतिव्याप्ति हो गई, एक बार लक्षण उसमें चला गया, लेकिन साध्य से अव्याप्ति कहा जाएगा उसको, अभी साध्य भाव से अव्याप्त कहना पड़ेगा, यद्यपि आप कहना संभव नहीं है लेकिन आपको कहना पड़ जाएगा वो साध्य से अव्याप्त है, साध्य भाव से भी अव्याप्त है। अजय साध्य साध्य से व्याप्त नहीं होता, इसका मतलब क्या, साध्य से अव्याप्त है, साध्य साध्य से व्याप्त नहीं है, इसका मतलब साध्य साध्य से अव्याप्त हो गया, अर्थ ये हेतु कैसे हो गया, साध्य से अव्याप्त हो गया। एवं साध्य भाव स्वयं साध्य भाव से व्याप्त नहीं होता, साध्य भाव स्वयं साध्य भाव से व्याप्त नहीं होता, अतः साध्य भाव से अव्याप्त भी हो गया, इस तरह से अतिव्याप्ति दी। और दूसरी बात, विशेषणीभूत साध्य अव्याप्यत्वगमाच्च प्राथमिकी व्याप्यत्व सिद्धेरेव उपजीविया दूषणम स्यात्। और जो विशेषण है आपका साध्येन अव्याप्यत्वम, साध्य से अव्याप्त है मैंने व्याप्यत्व सिद्ध है, विशेषणांश मात्र से ही हम दोष हम देके होने वाला अनमित कार्य को प्रतिबंधित कर सकता हूँ, फिर विशेषांश आपका व्यर्थ हो जाएगा, साध्य भाव से व्याप्त का अव्याप्त कहना व्यर्थ हो जाएगा। विशेषण बुद्ध जो साध्य से अव्याप्यत्व है उतने मात्र का अवगम से प्राथमिकी व्याप्यत्वासिद्धेरेव, जो प्रथम है जिसके अधीन होकर के, विशेषणाधीन ही विशिष्ट ज्ञान होता है, केवल विशेष ज्ञान से होगा नहीं, तो विशेषण ज्ञान जो प्रथम ज्ञान उत्पन्न हुआ उतने वो क्या है, वो व्याप्यत्व सिद्धात्मक है। उसी से ही उपजीव के द्वारा ही हम दोष जब दे सकता हूँ तो एक विशिष्ट लक्षण बनाने की जरूरत पड़ेगी, विशेषांश व्यर्थ हो गया। और विशेषणांश से च असाधकत्व साधन सामर्थ्यात्, कि विशेषणांश क्या है व्याप्यत्व सिद्धात्मक होने से वो असाधकत्व इस हेतु में असाधकत्व को साधने में समर्थ है, तो व्यर्थ विशेषता भी, व्यर्थ विशेषता दोष भी आ जाएगा। विशेषण मात्र को ही दोष मानना एक बात है, अतिरिक्त विशेषादि की कहना जरूरत नहीं है, और तो विशेष व्यर्थता दोष नाम का जज्बे आप पर आएगा ही। अवगत वस्तुगति व्यापकवत मात्र पर्यवसायिनी तद अभावन मात्र पर्यवसायिनी व तत्काल संधीयमान अन्यत्र व्यापकत्व शब्दों नित्य श्रोत्र विशेष गुणत्वाद इत्यादि असारणे
व्यावृतत्वाच, मैंने असारण में लक्षण आपका नहीं जा रहा है, मैंने अव्याप्ति हो गई। कहते हैं कि देखिए शब्दानित्य श्रोत्र विशेष गुणत्वात्, ये लक्षण ले रहा है, दृष्टांत स्थल लिया। इत्यासण में जहाँ वस्तुतः हेतु साध्य का अव्याप्त है, वस्तुगति व्यापकवन मात्र पर्यवसायिनी, वस्तुतः साध्य का अव्याप्य है परंतु उस काल में क्या हो रहा है, तद अभवन मात्र पर्यवसायिनी वा व्यापकवन, मैंने व्यापक होने साध्य, साध्यवन मात्र पर्यवसाय, साध्य वाले में पर्यवसित हो रहा है, अतः तद अभाववन मैंने साध्य अभाव वाले में पर्यवसित होता हो, ऐसा जो हेतु वस्तुतः जो साध्य वाले मात्र में पर्यवसित हो या साध्य अभाव वाले में मात्र में पर्यवसित हो ऐसा, लेकिन उस समय जब पर्यवसित हो रहा है उस समय तत्काल संधीयमान अन्यत्र व्यापकत्व है, जब अन्यत्र व्यापकत्व का संशय हो गया, साध्य व्यापकत्व में भी संशय हो गया, साध्य अभाव व्यापकत्व में भी संशय हो गया, ऐसे स्थल में स्थल कैसा बनेगा, वो असाधारण अनेकांतिक स्थल कहा जाएगा, उसमें लक्षण नहीं जा रहा है। कि जहाँ पक्ष में व्यापक साध्य मात्र हो, पक्ष में क्या है, व्यापक साध्य मात्र है, अथवा व्यापक अभाव मात्र हो पक्ष में, शब्द में व्यापक मात्र है, अर्थात क्या हुआ, साध्य व्यापक साध्य मात्र हो, अर्थात शब्द में अनित्यत्व है, शब्द में अनित्यत्व है, अथवा व्यापक अभाव मात्र, अथवा व्यापक कौन, अनित्यत्व, उसका अभाव क्या, नित्यत्व, उतरे मात्र है शब्द में, मतांतरों में कि शब्द को नित्य मानते हैं, वही आक्रमीय मान सको, वेद को नित्य सिद्ध करने हैं तो, और नहीं है एक लोग शब्द को अनित्य मानते हैं, इसे पक्ष ऐसा है, साध्यवन मैंने पक्ष साध्य मात्र से व्याप्त है, अतो साध्य भाव मात्र से व्याप्त है, मत इसलिए संशय हो गया हमको, यह जान करके शब्द नित्य भी होता है कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग शब्द अनित्य भी होता है, अर्थात पक्ष में साध्य मात्र व्यापकत्व तो आ रहा है और पक्ष में साध्य भाव मात्र व्यापकत्व आ रहा है, ऐसे स्थल में आपको मन में संशय होगा, क्या वास्तव में यह साध्य का व्याप्य है या साध्य भाव का व्याप्य है, उस स्थल में ऐसे स्थल को हम असारण क्रांति के कहेंगे, उसमें अव्याप्ति हो जाएगी, कारण यदि वह साध्य का अव्याप्य हो, यदि वास्तव में साध्य का अव्याप्य है तो साध्य भाव का भी वो अव्याप्य नहीं हो सकता, ये साध्य का अव्याप्य मैंने साध्य भाव का अव्याप्य नहीं, साध्य भाव का व्याप्य होना पड़ेगा, ये साध्य भाव का अव्याप्य है इसलिए साध्य का व्याप्य होना पड़ेगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, ऐसे संशय स्थल में असारण का स्थल में लक्षण आपका नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने दोनों होना चाहिए कहा, आप लक्षण क्या है, साध्यन अव्याप्य और तदाभाव से भी अव्याप्त होना चाहिए, ये दोनों हो नहीं सकता है, ऐसे स्थलों में दो में एक होगा तो संशय स्थल में ऐसा असारण के संदिग्ध अनेकांतिक स्थल में आपका लक्षण का व्याप्ति होता है, वस्तुतः साध्य अव्याप्त तत्काल अपि च सत् प्रतिपक्षतया अनिर्धारित साध्य व्याप्ति के प्रकरण समय गतत्वाच्च, छाया द्रव्यम गतिमत्वात्, ये मीमांसक अनुमान लेकर विचार जहाँ किया है उस प्रसंग में बात कही है, छाया बने तम उद्रव्य है, क्यों गतिमत्वात्, यो ने का तमह, हाँ नीलम तमह चलती, ये तमह द्रव्यम चलनात्मकत्वात्, ये उनका है ना अनुमान बना, तो उस पर विचार करते वक्त उन्होंने ये बात कही है, भाई आपने शब्दों अनित्य जो है पक्ष सपक्ष अन्यत्रत्वात् साध्य अव्याप्ते तत्काले पिच, साध्य के अव्याप्त के उस काल में भी सत् प्रतिपक्षते सत् प्रत्यक्ष रूप में अनिर्धारित साध्य व्याप्ति के, जिसका साध्य की व्याप्ति निर्धारित नहीं है, ऐसे हमने प्रकरण सम दूंगा, उन्हें सत् प्रतिपक्ष दूंगा, उसमें आपका लक्षण का अतिव्याप्ति हो जा रहा है, क्या है दृष्टांत दिया नीचे, शब्दों नित्य पक्ष सपक्ष अन्यत्रत्वात्, पक्ष में साध्य व्यापक रहेगा वहाँ, सपक्ष में भी साध्य व्यापक रहेगा, अन्यत्रत्वात् या तो पक्ष में है या तो सपक्ष में है,
स्थल में जहाँ वस्तुतः हेतु साध्य का व्याप्य है, यत्र यत्र पक्ष सपक्ष नेतृत्व तर तत्र अनित्यत्व, ये नहीं बन सकता। पक्ष क्या होगा? शब्द। सपक्ष क्या होगा? दृष्टांत क्या बनोगे अनित्यत्व का? घटादि। ये तो लेना बड़ा अनित्यत्व का दृष्टांत, तो ही बन सकता, कोई दूसरा नहीं बनेगा। अब यत्र यत्र शब्द घट अन्यतरत्व तर तत्र अनित्यत्व, यत्र यत्र शब्द रूपी पक्ष और सपक्ष जो घट आदि का अन्यतरत्व है, वहाँ वहाँ अनित्यत्व है, वहाँ वहाँ अनित्यत्व है, ये नहीं कह सकते आप। यहाँ पर जो है साध्य का अव्याप्य है। ऐसा स्थल कौन सा है जहाँ पर साध्य में का हेतु व्याप्य नहीं होवे? पक्ष सपक्ष अन्यतरत्व हो और अनित्यत्व न हो, ऐसा स्थल कौन होगा? हमें पक्ष सपक्ष अन्यतरत्व जहाँ जहाँ है, माने सगल पक्ष होंगे और सगल सपक्षों में अन्यतरत्व रहेगा। अन्यतरत्व या तो पक्ष में रहना या तो सपक्षों में, अन्यतरत्व है। जहाँ जहाँ अन्यतरत्व है माने सगल या तो पक्षों में या तो सपक्षों में। आपको जो है साध्य का जो अनित्यत्व का व्याप्ति नहीं दिखाना है, मैंने वह साध्य है अरे अन्यतरत्व नहीं है, ऐसा स्थल ढूंढनी पड़ेगी जहाँ अनित्यत्व है किंतु सपक्ष और पक्ष अन्यतरत्व नहीं है। ध्वंस को ले लो कि ध्वंस के उत्पन्न में फिर नाश नहीं होता है ना, उसका उत्पत्ति मात्र को अनित्यत्व आरोप करते हो, लेकिन वास्तव उसके बाद नाश तो होता नहीं। एक बार उत्पन्न हो गया ध्वंस, उसका दोबारा नाश होता ही नहीं, उसका वो हो जाएगा पक्ष सपक्ष अन्यतरत्व वहां पर है, लेकिन अनित्यत्व नहीं है। कि अनित्यत्व अभाव स्थल में चला गया हेतु, अच्छा अनित्यत्व का वो व्याप्य नहीं रहा। अनित्य का व्याप्य न होने के कारण उस स्थल में हम एक शब्द से खड़ा कर दूंगा, शब्दो नित्य श्रोत्र ग्रहित्वात्। क्या मैं देख लिया हेतु कैसा है? वास्तुतः साध्य का व्यभिचारी है, साध्य अनित्यत्व का व्यभिचारी है, पक्ष सपक्ष अनित्यत्व, ये हमने देख लिया ध्वंस में। फट से हमने एक सत्प्रश्न खड़ा कर दिया, शब्दो नित्य श्रोत्र ग्रहित्वात्। यदि ये भी हेतु गड़बड़ है, लेकिन इस हेतु के द्वारा तुम्हारा हेतु अपने आप सत प्रतिपक्षित तो हो गया, उसमें तुम्हारा लक्षण व्याप्ति रखी। वही हेतु कैसा है? शब्द नित्य श्रोत्र ग्रहित्वात्, वो साध्य से अव्याप्त है और साध्य भाव की से भी अव्याप्त है, तुम्हारा पूर्व लक्षण जा रहा है उसमें। इस तरह व्याति व्याप्ति हो जाएगी प्रगण समय गतत्वाच्च एतेना अनेकांतिक सव्य विचार इति प्रत्युक्तम वेतव्यम। अनेकांतिक क्या है? सव्य विचार है। ये सूत्र लेकर के विचार आरंभ हुआ था, उसमें व्यविचार का अनेक लक्षण उठाया और उसके माध्यम से अनेकांत लक्षण बनाना चाह रहे थे, वो सब का खंडन हो गया। सव्य विचार से उक्त प्रकाराधिक से निर्वक्तम अशक्यत्वात्। सव्य विचार के उक्त पांच प्रकार से और अधिक कोई छठा या सातवा आदि प्रकार निर्वचन करना संभव नहीं है, क्योंकि आपके आचार्यों ने किया ही नहीं, तो हम इतने ही मानेंगे। आपके सामर्थ्य हम क्या करते हैं, हमारे से तो पूछ नहीं सकते कि आप भी नहीं कर सकते हो क्या, ये हमसे आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि वैतंटी किस समय में, इसलिए हमसे नहीं पूछ सकते। और आपके आचार्यों ने पांच कल कोई छठा बनाया ही नहीं है। पूर्वपक्षी जितने भी द्वैतवादी विशिष्टा जितने भी है, तार्किक जितने भी है, उनमें से किसी ने भी पांच के लोग कोई छठा लक्षण बनाया नहीं, इसे सिद्ध हो गया। इसे अतिरिक्त आप निर्वचन करने में असमर्थ है, अतएव आपका अनेकांतिक लक्षण भी सिद्ध नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अपिच उक्त लक्षण विशेषण है ना, उक्त लक्षण विशेष चौथा जो लक्षण था, चौथे में आपने क्या कहा था? असिद्ध विरुद्ध प्रकरण सम कालात्यापदिष्टाद अन्यो हित्वा भासो अनेकांत। वहाँ विशेषण कोटि में अन्यत्व का प्रतियोगी कोटि में सत प्रदर्शन नाम का आपने बोल दिया, प्रकरण सम नाम से रखा, क्या है ये चीज? जिसका अन्यत्व असिद्ध पर विचार किया उसका खंडन कर दिया, वृत्त पर विचार हुआ खंडन हो गया, अनेकांतिक विचार हुआ खंडन हो गया, इसलिए आपके लक्ष्य अनेकांतिक खंडन हो गया और लक्षण अंतर्वर्ती असिद्ध वृत्त भी खंडन हो चुका है। और आगे दो प्रकरण सम और बात ये क्या है बताओ हमको?
वास्तव में इसका भी आप लक्षण नहीं कर सकते, ये कहकर उसका खंडन करना है, इसलिए आरंभ कर रहे हैं। अभी जो उक्त लक्षण विशेषण है ना, उक्त लक्षण विशेषण के द्वारा आप करना क्या चाह रहे हैं, सद्हेतु व्यवच्छेद का प्रमाण माने सदहेतु, अनुमिति प्रमाण का हेतु कौन होगा, सदहेतु ही अनुमिति प्रमाण है, अनुमिति ज्ञान का अनुमान प्रमाण है। सदहेतु में व्यवच्छेद करने के लिए आपने प्रयोग किया, अन्य न किम व्यवच्छेदनम व्यवच्छेद्यम, सदहेतु व्यवच्छेदकाद, सदहेतु का व्यवच्छेदक उस विशेषण उक्त विशेषण के द्वारा, अन्य न किम व्यवच्छेद्यम, क्या अन्य में कोई व्यवच्छेद्य है ये बताओ मेरे को, क्योंकि हमेशा कोई भी लक्षण किया जाता है वह सदहेतु में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए हम असदहेतुओं का हेत्वाभास में हम लक्षण कर रहे हैं। मुख्य पांचों हेत्वाभास का लक्षण का है सदहेतु में अतिव्याप्ति निवारण करना, अर्थात सदहेतु का लक्षण इनमें नहीं है ये सिद्ध करना, अभिप्राय यही हो ना। सदहेतु का जो लक्षण पंचरूपोपपन्नता जो कहा गया, पक्षवृत्ति सपक्षवृत्ति विपक्षाद व्यावृत्ति असत प्रचुरता बाधित्व, इसके न होने के नाम ही हेत्वाभास है, मुख्य लक्षण आपका है। इसे प्रमाण सदहेतु का व्यवच्छेद होता है, किंतु अन्य विशेषणों से व्यवच्छेद क्या है बताओ, हेत्वाभास शब्द कहा था आपने, वहाँ चौथा लक्षण में क्या था, हेत्वाभास शब्द आपने कहा था, उस हेत्वाभास शब्द से तो सदहेतु का अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। असिद्ध विरुद्ध प्रकरण सम कालात्यापदिष्टाधन्यो हेत्वाभासो अनेकांतिका, हेत्वाभास अंश के द्वारा ही सदहेतु में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, बाकी विशेषण जो दिए हो चार चार, इनके अंदर किसको तुम अतिव्याप्ति निवारण करना चाहते हो, किसका विच्छेद करना चाहते हो ये पूछ रहे हैं। किम व्यवच्छेद्यम केनचित सत् प्रतिपक्षा केनचित अन्य चेत, किसी 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 के द्वारा सत् प्रतिपक्ष अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए, किसी के द्वारा अन्यों में मैंने पायित आदियों में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए है, इसलिए चारों इनको जरूरत पड़ेगा, उन चारों का भिन्नत्व कहना जरूरी, एक को भी छोड़ो क्या होगा, तीन लोग हैं, तीन का भिन्नत्व आ जाएगा चौथे में, लक्षण करता नहीं क्रांति का वो उसमें दूसरे में चला जाएगा, इसे चारों का तरीका ये होता है, एक जो कहा गया वो उसमें खुद में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए उसको कहना पड़ा, सत्प्रत्यक्ष अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए सत्प्रत्यक्ष अन्यत्व कहना जरूरी हो गया, बाहित कहना पड़ा कि बाहित में अतिव्याप्ति निवारण के लिए बाहित अन्यत्व कहना पड़ता है, इस तरह से प्रत्येक में होने के कारण से कि आप किसी के द्वारा सत्प्रक्ष में अतिव्याप्ति, किसी के द्वारा सत्प्रतिपक्ष शब्द के द्वारा सत्प्रक्ष में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आप कह रहे हो, और अन्य अन्यों के द्वारा अन्य अन्य का आप अतिव्याप्ति निवारण करना चाहते चेत कह पुनः सत्प्रतिपक्ष, फिर वह सत्प्रतिपक्ष का लक्षण क्या है बताइए, तब सत्प्रक्ष लक्षण क्या है पूछने पर या फिर उदयन आचार्य जी को पकड़ते हैं कि सूत्र में सूत्र वृत्ति वार्तिक भाष्य उनको शुद्ध करने के लिए प्रयास किया ना, तात्पर्य परिशुद्धि इसलिए उसका नाम रख दिया है, सबके तात्पर्य को परिशुद्ध किया उन्होंने, सूत्रकार भाष्यकार वार्तिककार वृत्तिकार चारों का उन्होंने लिखा, यस्मात् प्रक्रियमाणार्थ जिज्ञासा मात्रम भवति सब प्रकरण समिति संक्षेप, प्रक्रियमाण अर्थ की जिज्ञासा मात्र हो वे जिससे उसका नाम प्रकरण सम होता है, और आगे लिखा तथा ही पक्ष समबल पाद का सह प्रवृत्ति न तत्व निर्णय, पक्ष में समबल से युक्त कोई बाधक एक हेतु के साथ दूसरा हेतु प्रवृत्त हो जाए वह तत्व में साध्य का निर्णय नहीं हो सकता, प्रतिबलेन प्रतिरुद्धत्वात् प्रतिबल के द्वारा प्रतिरुद्ध होने के कारण से उसके आधार पर हमें लक्षण उठा रहे हैं, तथा ही से पूर्व पक्षी कहेगा हमारे उदयनाचार्य ये शब्द जो बोले हैं उसका तात्पर्य सीधे सीधे शब्द है सुन लो, सत प्रतिपक्ष लक्षण अनुयुक्तो यदि आह, सत प्रतिपक्ष का लक्षण जो उदयनाचार्य ने कहा उनसे अनुयुक्त होकर एक तुम ये लक्षण बताना चाहोगे क्या, समान बल बोधित साध्य विपर्य को हेतुत्वेन अभिमत सत प्रतिपक्ष, समान बल से बोधित साध्य का विपर्य को बोध कराने वाला जो हेतु है ऐसा हेतु वाला पहला वाला हेतु है, दूसरे हेतु के पीछे पहला वाला हेतु का सत प्रतिपक्ष हो जाएगा, इति तन्न यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ये लक्षण किसके अनुसार कर रहे हो तुम, मीमांसकों के लिए बोल रहे हो या खुद अपने न्यायिकों के लिए कह रहे हो, क्योंकि मीमांसक लोग बल का अर्थ करते हैं सामर्थ्य शक्ति और पृथक पदार्थ मानते हैं शक्ति, उनके अनुसार तुम कह रहे हो,
यह बल आपके मत में योग्यता होता है न्यायिकों में, किस अर्थ को लेकर कह रहे हो आप? तथा किम यह बलम विवक्षितम, बल शब्द से क्या विवक्षित है कि हमारे सामने दो मत खड़ा है, बल शब्द आपते ही मीमांसकों का तो शक्तिवाद खड़ा होता है और न्यायिकों का योग्यतावाद खड़ा हो जाता है, आप किस वाद के अनुसार कहना चाह रहे हो? कहते हम तो भाई मीमांसकों के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। ये पहला पक्ष सामर्थ्यम इति चेत, सामर्थ्य बने शक्ति इति चेत तत्कुत्र कार्य विमतम। सिद्धांत पूछता है देखिए वह सामर्थ्य किस कार्य में आप स्वीकार करना चाह रहे हैं, किस कार्य में है बताओ? कुत्र कार्य सामर्थ्य विमतम, मैंने कौन से कार्य में आप शक्ति को देख रहे हो ये बताइए हमको। न तावत सर्वसन्नेव कार्य, सभी कार्यों में शक्ति देखा हूं ऐसे मत कहो, सभी कार्यों में शक्ति नहीं होती है। सत प्रतिपक्ष हेतु और भिन्न विषय बुद्धियादि जनकतया सर्व कार्य समशक्तिकतायाः असंभवात्, क्योंकि जो है सत प्रतिपक्ष के दो हेतु जो होते हैं भले ही आप परस्पर एक दूसरे को दोष दिखा रहे हैं लेकिन अन्यत्र क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं वो भी सत हेतु है। संबल कहा रहा जैसे आप बनाते शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वत्, शब्दो अनित्य कार्यत्वात् घटवत्, या आप कहेंगे रूपवत्, ये शब्द गुण है गुणी दृष्टांत रूपवत दूंगा कि पृथ्वी जल वायु चारों के परमाणु में भी जो रूप है तीनों में पृथ्वी जल तेज तीनों में रूप भी क्या है अनित्य होता है, से शब्दो अनित्य कार्यत्वात् रूपवत बनाऊंगा। उस स्थल में देखो कार्यत्व हेतु अपने स्थल पर अपने साथ सिद्ध करने सक्षम है और श्रावणत्व हेतु भी अपने साथ को सिद्ध करने सक्षम है, ये व्याप्ति घट रहा है। यत्र यत्र श्रावणत्वम तत्र नित्यत्वम, शब्दत्व में आ रहा है, शब्दत्व जाति नित्य है और शब्दत्व जाति संवेद संवेद समय सनिकर्ष से ग्राह्य है, संवेद समय सनिकर्ष से तो ग्रहण करते हैं, अतः श्रावण है। श्रवण इंद्र क्या है कर्ण शुष्कुल आकाश, उसे समय समय से रह रहे शब्द, उसे रहता है शब्दत्व, तो समय समय से निकर से श्रोत इंद्र से ग्राह्य भी है, आते हुए शब्दत्व में हेतु भी बैठ रहा है वो नित्य भी है, वो शब्द में ले आऊंगा सक्षम है अपने स्थल पे। और कार्यत्व भी यत्र यत्र कार्यत्व तथा नित्यत्व यथा घट लो यथा रूप ले लो, वो भी अपने स्थल में सक्षम ही है, लेकिन वर्तमान स्थल में क्या हो गया, एक दूसरे का विरोधी हो गए। कार्यत्व तो श्रावणत्व को बाध रहा है, श्रावणत्व तो कार्यत्व को बाध रहा है, अतएव सकल कार्यों में समबल कहाँ रह गया, यहाँ के दुर्बल हो गए ये कह रहे हैं। सत प्रतिपक्ष हेत्व द्विवचन से कर दिया, भिन्न विषय बुद्धियादि जनकतया मैंने अपने अपने भिन्न विषय को बुद्धि आदि का जनक रूप से सर्व कार्य समशक्तिगतायः असंभवात्, सकल कार्यों में समशक्ति गुण का होना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि स्व स्व साध्य विषय बुद्धि के जनक होने से सब कार्यों में समान शक्ति वाले नहीं रह गए, क्योंकि कहीं प्रतिरोधक भी बन गए ना, भले अपने अपने साध्य को सिद्ध करने में बलवान है वो भी अपने जर बलवान है से बराबर बल लग रहा है लेकिन एक दूसरे के विरोधी तो हो गए, प्रतिबंधक बन गए, प्रतिबंधक बन रहा है तो या तो इसका प्रति उसको मानोगे आप उसका संतोष कहोगे, या तो उसका मान इसमें प्रतिबंध मानोगे इसको संतोष कहना पड़ेगा, या दोनों ही सत्प्रतिपक्ष हो जाएंगे क्या कि नहीं है, एक लोग दोनों का मानते ये नहीं मानते, मीमांसक नहीं मानेंगे, एक को यथार्थ मानते एक तो जो यथार्थ है आपका, एक सद हेतु एक असद हेतु रहेगा, इसे संबल कहाँ रह गया, जब एक ही सत्प्रश आने से एक असद हेतु हो ही गया, दो में से एक एक सद हेतु हो गया, बराबर बल कहाँ रह गया, बराबर बल हो गया जो सद हेतु बने रहे, जैसे अपने अपने साध्य से जो सद हेतु हैं इन एक दूसरे के विरुद्ध साध्य और साध्य भाव को खड़ा कर देता हूँ, दोनों हेतु एक दूसरे के प्रति विरोधी हो गए और एक दूसरे के प्रतिबंधक बन रहे हैं,
तो असंबल कहा रह गया, ये कहते हैं। यदि कहें नापि यत्र क्वचित कार्य, ऐसे करो जिस किसी कार्य के प्रति समबल ले लो और अन्यत्र बल संबल ना रहे, ऐसे ही कहोगे प्रकृत साध्यम प्रति प्रतिमान असिद्धत्वादि दोषेणापि प्रमेत्व प्रतिपादनादो समर्थेन प्रतिहेतुना सत् प्रतिपक्षता प्रसक्त्या सर्वहेतुना शक्य प्रकरण समहित्ता भासत्वापत्ते है। सदहेतु जो सर्वहेतु नाम ने सकल धूमादि सदहेतुओं को भी हम असद हेतु सिद्ध कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई ऐसे कि जिस किसी कार्य में समान बल होनी चाहिए ना, प्रमेत्व भी अपने कार्य में समान बल वाला है, अपने साधि सिद्ध कर रहा है। जैसे घट हो अभिदेह प्रमेत्वात्, अप्रमेत्व तो अभिदेत्व साधि को सिद्ध करने में समर्थ है ही है, और वही प्रमेत्व तो व्यभिचारी बन जाता है अन्य साध्यों के प्रति, पर्वतों वन्यमान धूमात के प्रति। ये प्रमेत्व तो क्या करेगा, वन्य भाव स्थल में सिद्ध है। तो आप कहेंगे पर्वतो वन्यमान धूमात, दूसरा क्या कहे पर्वतो वन्य भावान, कहे पर्वतो वन्य भावान प्रमेत्व, ये कह दे। अरे ये क्या हो जाएगा, आपका धूम हेतु को सत प्रत्यक्ष कर दिया, क्या आपके साथी का भाव घोषित कर रहा है, पर्वत वन्य भाव घोषित कर डालेगा। एक ये जितने भी केवल अन्वयी हेतु सबका यही हाल है, ये अपने केवल अन्वयी साध्यों को सिद्ध करने में समर्थ है, क्वचित में कार्य सक्षम है, ये बल उनका है, और पर्वतों धूमाते धूम अपने वन्य घोषित करने में बलवान है ही है। क्वचित स्थल में दोनों के बल को लेकर के हम यदि मान ले सम बल वाला, तो क्या हो जाएगा, वही प्रमेत्व हेतु धूमेतु को असत हेतु सिद्ध कर देगा, सारे असत हेतु भी असत हेतु हो जाएंगे। वही करे प्रकृत साध्यम प्रति प्रतीयमान असिद्धत्वादि दोषेणापि प्रमेत्व प्रतिपादनादौ समर्थेन प्रति हेतुना, प्रकृत जो भी साध्य आपका जैसे वन्य आदि साध्य, वहाँ प्रतीयमान असिद्धत्वादि दोषेणापि प्रतीयमान असिद्ध दोष के द्वारा भी प्रमेत्व प्रतिपादनादो प्रमेत्व हेतु का प्रतिपादन कर दिया जाएगा। कई व्यापित साध्य बनेगा वो हेतु, कई व्यभिचार हेतु बनेगा, कई कुछ हेतु बन जाएगा, इन प्रमेत्व हेतु क्या है, आपके सकल सद हेतुओं के प्रति हमेशा कोई न कोई दोष रूपेण सदृश उपस्थित हो सकता है। प्रसमर्थेन प्रति हेतुना सत प्रतिष्ठता प्रसक्तिया, सत प्रतिपक्ष की प्रसक्ति होने से सर्व हेतुना शक्य प्रगण सम हित्वाभासत्वापत्त है, सकल हेतु जो है प्रगण सम हित्वाभासत्व होने में संभावना बद्धि शक्य हो जाता है, यह आपत्ति है। प्रकृत साध्य के प्रति असिद्धत्व आदि दोष ज्ञात होने पर भी, क्योंकि आपको पता है प्रमेत्व कैसा है, अन्य साध्यों के प्रति हमेशा ये या तो असिद्ध होगा या तो व्यभिचारी होगा, कुछ न कुछ होगा। क्या जैसे शश विषाण द्रव्यम प्रमेत्वा, ये स्वरूप असिद्ध है प्रमेत्व हेतु, ये ज्ञात है हमको, और कई वही हेतु जो है विरुद्ध बन जाएगा, शब्द नित्य प्रमेत्वा साध्य भाव से व्याप्त है, नित्य व अनित्य से व्याप्त है प्रमेत्व हेतु, विरुद्ध हेतु हो जाएगा, वो व्यभिचारी भी बन जाएगा, साध्य भाव अधिकरण में चला जाएगा, नित्यत्वभाव अधिकरण अनित्य घटादियों में भी प्रमेत्व चला गया, अनेकांतिक भी हो गया। ज्ञात है ये प्रमेत्व तो कैसा है, भले अपने स्थान में समर्थ था अभिधेत्व सिद्ध करने में, किसी भी चीज में अभिधेत्व सिद्ध करना है तो प्रमेत्व तो सक्षम है, अपना बलपूर्ण है उसका, और अन्यत्र क्या हो रहा है, हमारे अन्य प्रकृत साध्यों में वही है तो कहीं असिद्ध हो रहा है, कहीं व्यभिचारी होता है, कहीं वृद्ध हो जाता है, कहीं बाधित भी बन जाएगा वो, यही वन्य अनुष्ठा प्रमेत्व सिद्ध कर दो तो वहां प्रमेत्व क्या होगा, बाधित हो जाएगा। इसलिए ऐसे प्रमेत्वादि असल असिद्धत्वादि दोषेण अपि प्रमेत्व प्रतिपादनादो उसको हम क्या करेंगे, अभी सत प्रत्यक्ष हेतुना समर्थेन प्रति हेतुना, वो लेकिन समर्थ है अपने जगह पर, उसको हम प्रतिहेतु बना देंगे, पर्वतो वन्यमान धूमात के खिलाफ पर्वतो वन्य भवान प्रमेत्वाद बना दूंगा, अरे प्रमेत्व तो कैसे मैं मालूम है असिद्ध है दोषग्रस्त है, कि वन्य अधिकरण में भी वन्य भावाधिकरण में भी ये प्रमेत्व तो सर्वत्र रहता है, इसे पता है असिद्ध विरोध अनेक सारे लक्षण से उतर रहे हैं, उसके बावजूद भी वह सदहेतु को सत प्रतिपक्षित करने में समर्थ है। अच्छा सारा सद हेतु
यदार प्रमेत्वादी क्यों नान्वय हेतुओं के माध्यम से संभार वाले होने के कारण से शर्त प्रतिपक्ष हो जाएंगे, यह आपत्ति है। इसलिए यह लक्षण आपका सामर्थ्य को लेकर के नहीं हटा सकते। ना भी पूर्व हेतु साध्याभाव बोधन रूपे कार्य उत्तर हेतु रे एवं असत प्रतिपक्षत्व स्वसाध्य साधकता आपत्ति है। यदि वो कहता ऐसा है जी, आप जो है जिस किसी भी हेतु को जिस किसी के साथ ले लो, ऐसा नहीं होगा। पूर्व हेतु का जो साध्य उसके अभाव रूप कार्य में समान बल होना चाहिए। अन्यत्र अन्यत्र अपने अपने कार्य करने में बलवान होकर समान बल नहीं लेना हमें। जो हेतु साध्य को सिद्ध कर रहा है उसी साध्य के साध्य भाव को सिद्ध करने में बलवान होना चाहिए, समबल होनी चाहिए। और आप खुद ही कह रहे हैं साध्य भाव को सिद्ध करने में प्रमेत्व तो क्या है, असिद्ध है, दोषग्रस्त है, संबल कहाँ रहेंगे। वो जिस हेतु को हम दे रहे पर्वतों वन्यमान धूमान, धूम कैसा है, निर्दोष है। ऐसे साध्य भाव को सिद्ध करने में जो हेतु दोगे वह साध्य भाव रूपी साध्य को सिद्ध करने में सक्षम होनी चाहिए, निर्दुष्ट होना चाहिए। वन्य भाव को सिद्ध करने में प्रमेत्व हेतु निर्दुष्ट नहीं, ये आप खुद ही करें असिद्ध से ज्ञात है। इसे हम जो स्थल कहाँ दे रहे, शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्वत्, शब्दो नित्य श्रवणत्वात् शब्दत्वत्, शब्दो अनित्य कृतकत्वात् रूपवत् दे रहा हूँ। यह अनित्य जो नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व को सिद्ध करने में कार्यत्व हेतु सक्षम है, निर्दुष्ट है, दोष नहीं हो उसमें, आते हुए दोनों संबल हो गए। एक है जो साध्य सिद्ध करने में निर्दुष्ट है एक के अनुसार, दूसरे के अनुसार साध्य भाव को सिद्ध करने में उसका हेतु निर्दुष्ट है, अतः दोनों संबल हो गए। ऐसी स्थिति में एक जो लोक से भी हमें देख रहा हूँ यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र नित्यत्वम सर्वमान्य है, ये अतएव शरण थे तो शर्त प्रतिपक्ष हम कह देंगे, वो सर्वमान्य है ही नहीं। इस तरह से स्थल दिखाओ हमको, दोनों हेतु तो अपने अपने साध्य सिद्ध करने में, मैंने एक का साध्य का दूसरे क्या साध्य, वो साध्य भाव। दूसरे हेतु का साध्य क्या होगा, पहले हेतु के साध्य का साध्य भाव, उसको सिद्ध करने में दोनों अपने अपने निर्दुष्ट होनी चाहिए, तब इनको सत्य प्रतिपक्ष कहेगा कि दूसरे के द्वारा पहले का, अगर पहले निर्दुष्ट अत्यंत निर्दुष्ट है, दूसरे के पहले के द्वारा दूसरे में सत्य प्रतिपक्ष हो जाएगा। ये लक्षण बनाओ, पूर्व हेतु साध्य के अभाव का बोधन रूप कार्य में जो समबल हो, ऐसे उक्त हेतु एवं असत्व, ऐसे जो आप कहोगे तो भी आप ऐसा नहीं कह सकते। ना भी उत्तर हेतु सब हो सकता है या पूर्व हेतु सब हो सकती है, जिसका अब दोनों भिड़ंत जब करेंगे, अपने अपने एक को अपने साध्य सिद्ध करने में, दूसरे को अपने उसके साध्य भाव को सिद्ध करने में, भले अपने अपने बलवान है, जब दोनों परस्पर विचार हो गए तब कोई एक का बल न्यूनाधिक हो जाएगा, जिसका अधिक होगा पलटा भारी हो गई वो सदहित हो जाएगा और दूसरा सर्वसच कहा जाएगा। ना भी पूर्व हेतु साध्य बोधन रूपे कार्य उत्तर हेतु एवं असत प्रतिपक्ष, फिर उत्तर हेतु क्या हो जाएगा, असत्य माननी पड़ेगी आपको। यदि एक को सत्यपक्ष मानोगे दूसरे को क्या मानना पड़ेगा, सदहेतु मानना पड़ेगा, असत प्रतिपक्ष तत्व मानना पड़ेगा, और असत प्रत्यक्ष तत्व क्या है, सदहेतु का लक्षण है। फिर अगला हेतु आपको सदहेतु होने पड़ जाएंगे, आपत्ति दे रहे। तो पूर्व हेतु साध्य अभाव बोधन रूपे कार्य, पूर्व हेतु के साध्य का अभाव का बोधन रूप कार्य में उत्तर हेतु एवं असत प्रत्यक्ष, उत्तर हेतु को स्वीकार करोगे तो उत्तर हेतु क्या हो जाएगा, असत माना जाएगा, तो स्वसाध्य साधकता आपत्ति, वो अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ हो गया, मने वो सदहेतु हो जाएगा। पर एक को सदहेतु मानने की आपत्ति आ जाएगी, परस्पर एक दूसरे के सत्य प्रतिपक्ष नहीं रह जाएगा, पर एक सत्य प्रतिपक्ष हो जाएगा दूसरा सदहेतु होने लग जाएगा, अपने आप जो सदहेतु होगा चाहे बलवान होगा संबलत्व नहीं, तुम्हारा लक्षण घटेगा। फिर आपने स्वयं स्वीकार कर लिया अगला सत्य प्रतिपक्ष दोषग्रस्त नहीं है, वो असत प्रतिपक्ष है, तो संबल कहाँ है, वो सदहेतु है तो प्रबल हो गया, और तुम्हारा खुद का हेतु असत्यत्व स्थापित हो रहा है, दुर्बल हो रहा है, संभल कहाँ रह जाएगा। तब वो कहते प्रतिहेतु रीति चन्ना, अब जब प्रतिहेतु का जो साध्य उसके अभाव रूप ले लो, तब ऐसे कर लेंगे तत् प्रति चन्ना
तत्प्रतिहेतुरा सामर्थ्यादेव समशक्तिकत्व अनुपत्य है। प्रतिहेतु के प्रति असामर्थ्य होने के कारण से समशक्तिकत्व नहीं रहेगा। पूर्व और उत्तर दोनों हेतु हैं और दोनों परस्पर प्रतिहेतु हो जाएंगे, अतः उत्तर हेतु भी सत्प्रतिषित हो जाता है, तब कहते ये भी नहीं बन सकता। सत्व स्थल में दोनों हेतुओं के परस्पर साध्य व बोधन रूप कार्य व्यवस्थित है। तो वहाँ क्या हो रहा है, आप पहले वाले हेतु अपने अनुमान के आधार बोल रहे हो, नित्यत्व के अभाव को उन अनित्यत्व को दूसरा हेतु सिद्ध करता है, या आप कहेंगे दूसरा क्या है, नहीं जी हमें बात नहीं मानते, हमारा साध्य अनित्यत्व, उसके अभाव को तुम्हारा साध्य सिद्ध कर रहा है। हमारा साध्य क्या है, अनित्यत्व, उसके अभाव को तुम्हारा हेतु श्रावणत्व सिद्ध कर रहा है, न कि हम तुम्हारे साथ के अभाव को मैं सिद्ध नहीं कर रहा। यूँ उल्टा भी बोल सकता ना कोई, आप करें मेरा अनुमान पहला शब्दों नित्य श्रावणत्व, मेरे अनुमान के साथ के अभाव को तुम्हारे हेतु कार्यत्व हेतु सिद्ध कर रहा है नित्यत्व को, वो कह नहीं नहीं हमारा अनुमान पहला हमारा कार्यत्व हेतु का साध्य अनित्यत्व उसके अभाव नित्यत्व को तुम्हारे हेतु सिद्ध कर रहा है, ये तो उल्टा हो सकता है। कोई जरूरी है कि तुम्हारे हिसाब से ही चले, उस दूसरे के हिसाब से भी चलेगा मामला, वाद में ही तो होता है ना। भले आपने पहले अनुमान प्रस्तुत करोगे, लेकिन दूसरा जो कहेगा जी मेरे अनुमान के विरुद्ध तुमने सिद्ध किया है, मेरे साथ अभाव को तुम सिद्ध कर रहे हो, तब क्या होगा। तब पहला वाला तो सत्प्रतिष्ठ हो सकता है कि उत्तर वाले ही होना कोई जरूरी है क्या। इसलिए कह रहे सिद्धांती, अतः एक कार्य में दोनों का समान बल नहीं रह गया। दोनों का समान बल कहाँ रह गया, पहले वाला के साध्य के अभाव को दूसरा सिद्ध कर रहा है, दूसरे वाले के साध्य के अभाव को पहले वाला सिद्ध कर रहा है, दोनों अभावों को ही सिद्ध कर रहे हैं, तो समान बल कहाँ बनेगा। कोई भी अपने अपने साध्य को सिद्धि नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई भी अपने साध्य को नहीं सिद्ध कर रहा है कि दूसरे के साध्य अभाव को सिद्ध कर रहा है। ये युक्ति निकाला, अच्छा कार्य में दोनों का समान बल नहीं है, साध्य भाव बोधन रूप कार्य दोनों में परस्पर व्यवस्थित हो जाने के कारण से एक कार्य में दोनों का समान बल नहीं रह जाता है। तब वो कहेगा प्रतिहेतु और चिन्ह, प्रतिहेतु ले लो, किसी एक को ही आपस में किसी एक को पकड़ो, ये भी नहीं हो सकता। तभी समझ सकते कहते हैं एक के अभाव को दूसरा सिद्ध कर, दूसरे के अभाव को अगला सिद्ध कर रहा है, तो इसलिए वहाँ समशक्तिकत्व नहीं रहेगा, परस्पर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं वहाँ पर, अतः संबल नहीं मानी जा सकती है। इतम न हेतु साध्य से परिबोधन अभी, अतः तीसरा पक्ष लाया वो कहता है ऐसा करो फिर, हेतु का जो साध्य उसके अभाव के बोधन रूप कार्य में समान बल युक्त प्रति हेतु को हम सत्प्रश कहेंगे, उत्तर हेतु का सत्प्रश कहेंगे। ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि साध्य विपर्य जिसका वह हेतु सत्प्रश है, यह लक्षण भी अपने आप खंडित हो जाता है। वहाँ भी हम कहेंगे तुम जो करे मेरे हेतु का विपर्य अगला कर रहा है, तो वो सत्प्रशित हो गया। वो कहेगा मेरे साध्य के बाद तुम सिद्ध कर रहे हो, से तुम्हारे हेतु सत्प्रशित हो जाएगा, तो दोनों बराबर सत्प्रशित हो जाएंगे। अब तो आपका मीमांस के सिद्धांत भंग हो जाएगा, एक ही सत्प्रश मानना आप चाह रहे हैं वो खंडित हो गया। इसे नई आयकों का लक्षण आता है, योग्यता पक्ष को लेकर बोलना पड़ा।